हेलो नमस्कार सत श्री अकाल दोस्तों, मैं रोहित सचदेवा फिर से एक बार स्वागत करता हूं आपके अपने एजीएस बिल्डर में। आज आपके लिए गए बहुत ही सुंदर 2 BHK का फ्लैट जो कि 55 गज का फ्लैट रहने वाला है। अगर हम फैसिलिटीज की बात करें, ये लिफ्ट एंड कार पार्किंग के साथ आपका फ्लैट रहने वाला है। अगर बात करें बिल्डिंग की, ये आपकी 2 साइड ओपन बिल्डिंग रहने वाली है। फ्रंट रोड 20 फुट की, रियर रोड जो कि रहने वाली है 20 फुट की रोड रहने वाली है। द्वारका के नियर बाय रहने वाला है दोस्तों, सही सुन रहे हो, 500 मीटर की दूरी पर आप सेक्टर 3 रीच कर सकते हो। अगर मेट्रो स्टेशन की बात करें जो कि उत्तम नगर वेस्ट और नवादा दोनों ही आपके नियर बाय रहने वाले हैं, सही सुन रहे हो दोस्तों। अब बात करते हैं बिल्डिंग की, एक फ्लोर पर आपको 3 यूनिट देखने को मिलेगी, दोनों ही एक 60 गज की बनाकर दी है, एक 50 गज की बनाकर दी है। जिस टाइम जो सी आप देख रहे हो वीडियो, ये 55 गज का फ्लैट रहने वाला है दोस्तों। चलिए दोस्तों, बिना देरी किए गए हम छोटी सी झलक आते हैं अपने फ्लैट के ऊपर। दोस्तों हम करते हैं अपने 2 BHK के फ्लैट में एंट्रेंस। एंट्रेंस करने से पहले मैं आपको इसका लॉबी पैसेज एरिया और स्टेयरकेस एरिया दिखाना चाहता हूँ। तो दोस्तों ये देख सकते हैं आपका लॉबी पैसेज एरिया रहने वाला है, ये साथ ही साथ आपको स्टेयरकेस एरिया यहाँ पर है। यहाँ पर आपको लिफ्ट का एरिया हमने प्रोवाइड करा कर दिया, लिफ्ट अभी लगनी बाकी है, बिल्डिंग अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों हम अपने फ्लैट में एंट्री करते हैं। एंटर करने से पहले मैं आपको इस फ्लैट का लेआउट फॉर्मेशन दिखाना चाहता हूँ दोस्तों। ये आपकी एंट्रेंस रहने वाली है, जैसे कि आप देख चुके हो, ये आपका लिविंग एरिया रहने वाला है, साथ ही साथ ये आपकी मॉडुलर किचन रहने वाली है। मेरे लेफ्ट हैंड साइड पर आपको कॉमन वॉशरूम वहाँ पर बनाकर दिया है। और इस फ्लैट के अंदर दोनों ही बेडरूम आपके फ्रंट साइड पर रहने वाले हैं, दोनों बेडरूम के अंदर बिल्कुल भी वेंटिलेशन की कमी नहीं रहने वाली। ये आप देख सकते हो मेरे राइट हैंड साइड में मेरे ये फर्स्ट बेडरूम है आपका, मेरी बैक साइड पर आपको सेकंड बेडरूम देखने को मिलेगा। तो चलिए दोस्तों अब मैं आपको ब्रीफली एक्सप्लेन करता हूँ आपका 2 BHK का फ्लैट। ये हम आगे अपने लिविंग एरिया में, दोबारा से आप देख सकते हैं काफी स्पेसेस हमने आपको लिविंग एरिया बनाकर दिया। अगर इसके डायमेंशन की बात करें, ये आपका 13x15 का लिविंग एरिया रहने वाला, विट्रीफाइड टाइल्स लगा कर दिए हैं दोस्तों। साथ ही साथ आप छोटी सी जगह डालते हैं अपने वॉलपेपर के ऊपर, देख सकते हैं वॉलपेपर काफी यूनिक सा हमने आपको वॉलपेपर लगा कर दिया। साथ ही साथ हमने आपको ड्राइंग रूम के अंदर वॉल ग्लास वर्क भी करा कर दिया है। और ऊपर अब देखते हैं अपनी फॉल सीलिंग की तरफ दोस्तों, देख सकते हैं काफी यूनिक से हमने आपको फॉल सीलिंग करा कर दिया, ओसम लुक की हमने फॉल सीलिंग करा कर दिया। साथ ही साथ हमने आपको फॉल सीलिंग के अंदर भी वॉलपेपर का वर्क करा कर दिया है, क्यूट सा हमने फैन लगा कर दिया विद फैंसी लाइट के साथ। और हम बात करें LCD कैबिनेट्स की, ये देख सकते हैं हम ह्यूज साइज का हमने आपको LCD बना कर दिया, इजी आप 60-70 inches का अपना LCD यहाँ पर हैंग कर सकते हो। तो चलिए दोस्तों अब छोटी सी जगह जाते हैं अपने कॉमन वॉशरूम की तरफ। ये देख सकते हैं हम आगे अपने कॉमन वॉशरूम के अंदर दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग बताया था, ये बिल्डिंग अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है, इसमें लाइट्स की फिटिंग होकर मिलेगी, सैनिटरी की भी फिटिंग। इस बाथरूम के अंदर भी आपको वेंटिलेशन की बिल्कुल भी कमी नहीं रहने वाली, सामने आपको विंडो देखने को मिल रही है, वो लेंगी सीट लगा कर दूंगा दोस्तों इसके अंदर। काफी स्पेसेस हमने आपको कॉमन वॉशरूम बनाकर दिया दोस्तों। तो चलिए दोस्तों अब छोटा सी झलक डालते हैं अपने मॉडुलर किचन के अंदर, देख सकते हैं हमने ओपन आपको मॉडुलर किचन बनाकर दिया, काफी बड़ी आपको किचन देखने को मिलेगी दोस्तों, बिल्कुल भी स्पेस की कमी नहीं आने वाली यहाँ पर। किचन के अंदर भी बिल्कुल वेंटिलेशन की कमी नहीं रहेगी दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हैं हाई सेक्शन क्वालिटी की हमने चिमनी लगा कर दी है, साथ ही साथ यहाँ पर आपको विंडो भी देखने को मिलेगी दोस्तों। और
ऊपर हमने आपको क्यूट सा वो हैंगिंग लैंप भी यहाँ पर लगा कर दिया, और ग्रेनाइट कलर का हमने आपको पत्थर लगा कर दिया दोस्तों। देख सकते हैं शेल्फ कितनी बढ़िया आपको शेल्फ देखने को मिलेगी। और बात करें कैबिनेट्स की, साथ ही साथ यहाँ पर हमने आपको कैबिनेट्स बना कर दिए, देख सकते हो स्पेस की बिल्कुल भी कमी नहीं आने वाली दोस्तों इस मॉडुलर किचन के अंदर। सारे बास्केट्स आपको वर्क करते मिलेंगे दोस्तों। हमने सिलेंडर का भी यहाँ पे प्रोविजन दिया, देख सकते हो यहाँ पे आपको सिलेंडर यहाँ पर इजीली अपना रख सकते हो। सिंक का हमने आपको आपको यहाँ पे प्रोविजन दिया दोस्तों। टैप का जैसे कि मैंने बोला आपको, टैप मैं आपको लगा कर दूंगा इसके अंदर। तो चलिए दोस्तों हम चलते अपने मास्टर बेडरूम की तरफ। दोस्तों दोनों ही आपके मास्टर बेडरूम रहने वाले, दोनों बेडरूम्स के अंदर वेंटिलेशन की बिल्कुल भी कमी नहीं रहने वाली, दोनों बालकनी अटैच है। तो चलिए दोस्तों हमने चलते हैं मास्टर बेडरूम की तरफ। हम आगे अपने मास्टर बेडरूम के अंदर देख सकते हैं काफी ब्यूटीफुल हमने फॉल सीलिंग करा कर दी है दोस्तों। साथ ही साथ आपको क्यूट सा फैन देखने को मिलेगा यहाँ पर। और अगर डायमेंशन की बात करें, ये आपका 10x11 का रूम साइज रहने वाला है दोस्तों। विट्रीफाइड टाइल्स यहाँ पर लगा कर दी है। साथ ही साथ आपको यहाँ पर टीवी कैबिनेट देखने को मिलेगा, काफी ह्यूज साइज का हमने आपको टीवी कैबिनेट बना कर दिया। नीचे हमने आपको स्टोरेज के लिए शेल्फ भी लगा कर दिए। और यहाँ पर बात करें वार्डरोब की दोस्तों, यहाँ पर आपको वार्डरोब हमने बना कर दिया है। साथ ही साथ हमने आपको ड्रेसिंग टेबल भी यहाँ पर लगा कर दिया वार्डरोब के साथ। अब बात करते हैं अटैच वॉशरूम की, छोटी सी जगह अपनी वॉशरूम की तरफ भी देखते हैं। हम आगे अपने अटैच वॉशरूम के अंदर देख सकते हैं काफ़ी बड़ा हमने आपको अटैच वॉशरूम बना कर दिया दोस्तों। अप टू रूफ टाइल्स लगा कर दिए। इस अटैच वॉशरूम के अंदर भी वेंटिलेशन की कमी नहीं रहेगी, साथ ही साथ आपको विंडो यहाँ पर लगा कर दिए। जैसे कि मैंने बोला था, ये भी बेड दोनों बेडरूम्स आपके बालकनी अटैच रहने वाले हैं। यहाँ पे ह्यूज साइज की हमने आपको विंडो प्रोवाइड करा कर दिया दोस्तों। और अगर वॉलपेपर की बात करें, छोटी सी जगह काफ़ी यूनिक सा हमने आपको वॉलपेपर लगा कर दिया इस बेडरूम के अंदर। तो दोस्तों हम आगे अपने बालकनी की तरफ देख सकते हैं, काफ़ी बड़ी हमने आपको बालकनी बना कर दी है। वॉशिंग एरिया का हमने आपको यहाँ पर स्पेस भी दिया है, टैप का प्रोविजन दिया, साथ के साथ आपको इलेक्ट्रिसिटी का बोर्ड भी दिया, स्टेनलेस स्टील की रेलिंग लगा कर दी है दोस्तों। दोनों तरफ जैसे कि मैंने बोला 20 फुट की रोड रहने वाली है, आप देख सकते हो काफ़ी बड़ी आपको रोड यहाँ पर देखने को मिलेगी। तो चलिए दोस्तों हम चलते हैं अपने सेकंड मास्टर बेडरूम की तरफ। अब आगे हमारे बालकनी की तरफ से हम आते हैं अपने सेकंड मास्टर बेडरूम की तरफ। देख सकते हैं काफ़ी बड़ा ये भी हमने आपको बेडरूम बना कर दिया है। 10x11 का ये आपका बेडरूम का साइज रहने वाला है दोस्तों। ऊपर हमने डिसेंट लुक की हमने आपको फॉल सीलिंग करा कर दी है, देख सकते हैं दोस्तों। क्यूट सा फैन भी हमने यहाँ पर लगा कर दिया है। और बात करें वार्डरोब्स की, मेरे लेफ्ट एंड राइट हैंड साइड पे आपको दो वार्डरोब देखने को मिलेंगी, जो कि अप टू रूफ आपकी वार्डरोब बना कर दी है। 6x6 का आपका इजीली यहाँ पर आपका बेड आकर लग जाएगा। यहाँ पर अपना कोई भी फोटो या लैंप वगैरह यहाँ पर आप अपना रख सकते हो। साथ ही साथ आपको नीचे हमने ड्रॉर्स भी प्रोवाइड करा कर दिए। इस रूम के अंदर हमने आपको एक ह्यूज साइज की विंडो प्रोवाइड करा कर दिया, ऊपर आपको विंडो एसी का प्रोविजन दिया दोस्तों। तो दोस्तों कैसा लगा मेरा 2BHK का लग्जरियस फ्लैट? आई एम श्योर ये आपको पसंद आया होगा। अगर इस फ्लैट को आप विजिट करना चाहते हो या फिर इस फ्लैट के प्राइस की जानकारी लेना चाहते हो, ऑन स्क्रीन दिए गए नंबर पर कॉल करना ना भूलें दोस्तों।